हेलो एवरीवन, और आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। और याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी वार्निंग है, इस जिंगर बर्गर को खाने के बाद आपको कोई भी जिंगर बर्गर पसंद नहीं आएगा, चाहे वो KFC का हो या पोपॉइस का। I have eaten many Zinger burgers, but this Zinger burger the best I have eaten until now. And it is really so delicious and so juicy, so good. Okay, so let's start. Hadi başlayalım. Zinger burger बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पानी ले लेंगे, पानी डाल देंगे इसको। और पानी लेने की वजह क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ी देर सिरके के पानी में डालेंगे। इसमें सिरका होगा, पानी होगा और नमक होगा। इससे इसकी दो से तीन फ़ायदे हैं। एक तो इसकी बदबू चली जाती है, खुशबू आ जाती है इसके अंदर, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इसके अंदर, जो एक हीक होती है वो मर जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इससे आपका ये थोड़ा सा टेंडर भी हो जाता है। ये है हमारा 1/4 कप विनेगर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन। ये 1/2 kg चिकन है, हमने थाई पीसेस लिए हैं। थाई पीसेस आर वेरी गुड फॉर इट बिकॉज वो जूसी होते हैं, ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाते हैं, इजी टू मेक होते हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो वी ऑलवेज प्रेफर थाई चिकन फॉर इट। आप जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसमें बोन ना हो जिंगर बर्गर के लिए। और अब इसके अंदर वी विल लीव इट फॉर 2 to 4 hours, और 2 से 4 घंटे बाद फिर मिलते हैं इसकी रेसिपी के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वी कैन वेट फॉर 2 to 4 hours, तो उसके बाद ये आ गई है। और जिस तरह की ये बेरुखी चिकन हमें लग रही है, बिलीव मी, इतना जूसी और डिलीशियस इसका जिंगर बनने वाला है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। थोड़ा मसाले की तरफ चलते हैं। तो मसाले में हमारे पास है 1/2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पेपर लिया है, 1/2 टी स्पून हमने जिंजर पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून हमने गार्लिक पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून हमने सॉल्ट लिया है, और 1/2 टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है। और इसको हम इसमें डाल देंगे, प्लीज़ पुट इट इनसाइड। और इसके अंदर बात यह है कि दिस इज़ 1/2 kg चिकन मटेरियल। इफ़ यू हैव मोर लाइक 1 kg, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 2। आप 1 टेबल स्पून डाल देंगे, इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आप 1/2 आवर तक अगर रख दें तो इट इज़ बेटर। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू पुट इट इन 1/2 आवर यू कैन मेक, बट बेटर अगर आप रख दें। और वेरी ईजी एंड वेरी नाइस। Is it easy or not? Means it is really easy to make it at home and nice. So when you were eating before out, did you feel that it is so easy to make? Oh no, I didn't think, and now I am really thinking it is easy to make and it is really delicious, more than the out Zinger burger. So now we will be making coating for it. Or is coating material ke liye what we have here is 2 कप हमारे पास मैदा है। इस 2 कप मैदा के अंदर हम लोग डालेंगे 1/2 कप कॉर्न स्टार्च पहले। तो पहले 1/2 कप कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं इसके अंदर। इसके बाद इस कोटिंग के अंदर वी विल बी पुटिंग सम मसाला, जिसके अंदर हमारे पास है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून चिकन क्यूब होती है, उसका आप चूरा कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। तो ये आ गया, लेट अस मिक्स इट। ओके, वी हैव मिक्स्ड इट प्रॉपरली। ओके, सो कोटिंग इज रेडी। और जिंगर बर्गर सॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सॉस के बगैर बिल्कुल भी जिंगर बर्गर में मज़ा नहीं आता। तो सॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड वी विल बी मेकिंग आवर सॉस। ये सॉस आपको KFC से ज़्यादा बेहतर लगेगी। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून हमने लिए है चिली गार्लिक सॉस, इसको हम लोग डाल देंगे। चिली गार्लिक सॉस के बाद हमने लिया है 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, नॉर्मल टोमेटो केचप जो भी होता है आपका, आप उसको लेके डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने लिया है 1/4 कप मायोनीज, कोई भी अच्छे ब्रांड का मायोनीज आप ले सकते हैं 1/4 कप। सो अब हमने इन सबको एक जगह डाल दिया है, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मिक्स इट। वी नीड टू मेक इट, वी नीड टू ब्लेंड इट टुगेदर ताकि इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो सके। एंड बिलीव मी,
ये सॉस ऐसी है कि जो कि बहुत ही आसान है एंड यू कैन ऑलवेज मेक इट, नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर आप अपने लिए जिंगर के लिए बना रहे हैं, आप अपने डेली यूजेज के लिए भी बना सकते हैं। तो अब हमें चिकन को करना है कोट, और जो कि बहुत ही मज़ेदार काम है, इसको करने में बहुत मज़ा आता है। इसके लिए हमने लिया एक ठंडा पानी एक बाउल के अंदर, और ये 2 कप मैदा जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, हमने अपने इसकी कोटिंग को प्रिपेयर किया हुआ है। तो अब हम लेंगे चिकन और इसको हम डालेंगे अपने बनाए हुए कोटिंग में। इसको अच्छी तरीके से कोट करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से कोट करना है, और इसमें टाइम लगाना है आपने। इसको आप पहले हर तरफ से इसको कवर कर लें, और कवर करने के बाद इसको आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करते रहें थोड़ी देर तक। मेहनत का काम है थोड़ा सा, लेकिन मज़ा भी आता है करने में, क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो कोटिंग निकलनी नहीं चाहिए, निकल भी जाती है कभी कभार। इसके लिए हमने ये किया है कि हम इसको इस तरह से करते रहेंगे। इसको हमने फिर ठंडे पानी में डाला 1 सेकंड के लिए, बस बाहर निकाल लेंगे फौरन, टेक इट आउट एंड पुट इट अगेन बैक इन द दिस, और फिर हम इसको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए इसको हम कोट करते रहेंगे। तो अब ये जा रहा है फ्राई होने के लिए। ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट से गर्म हो रहा था, ऑयल गर्म होना ज़रूरी है, 10 मिनट तक आपने गर्म करना है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, एटलीस्ट आपको 8 से 10 मिनट तक इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, और 10 मिनट तक ऑयल गर्म भी होता रहा है। तो लेट्स सी कैसा बनता है। सो नाइस स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आफ्टर 4 मिनट्स अब हम चेंज करेंगे साइड। बट अगर डीप फ्राई हो रहा है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज करें, बट अगर आप करना चाहते हैं तो गुड। हमने चेंज कर दिया साइड को, एंड बिलीव मी इतनी डिलीशियस खुशबू आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है बस अब खा लूँ, मतलब इंतज़ार मुश्किल होता जा रहा है। नाउ वी आर टेकिंग आउट चिकन, और 8 मिनट हो चुके हैं तकरीबन हमें बनाते हुए, 8 से 9 मिनट, नॉट मोर देन दैट। एंड जस्ट लुक एट द कलर, हाउ ब्यूटिफुल। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे हेल्दी जिंगर बर्गर अपने घर में खाएं, तो आई थिंक दैट इससे बेहतर कोई भी चॉइस नहीं है। और बिलीव मी बच्चे इसके बाद फिर आपको ये नहीं कहेंगे कि डैडी KFC चलें, बच्चे कहेंगे कि डैडी मम्मा से कहिए कि घर में KFC बनाइए। वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस। हम करेंगे बर्गर असेंबल। पहले हमने लगाई अपनी सॉस, अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं आप, आपको जितनी भी लेनी है। मेरी वाइफ को ये सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये ज़्यादा लगाती है, आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने चाहें लगा सकते हैं। दोनों साइड पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट टू पुट ऑन बोथ साइड्स यू कैन, अगर आप एक साइड पर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। देन दिस इज़ द सलाद पत्ता, आप लेंगे सलाद पत्ता आप रख देंगे। उसके बाद 1 पीस ऑफ चीज़, एंड नाउ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट द पैटी ऑफ द जिंगर बर्गर, एंड ये आ गई हमारी पैटी वेल सेट। और इसके बाद एक और चीज़ का पीस, क्योंकि आई लाइक डबल चीज़, एंड देन वी विल बी क्लोजिंग आवर ब्यूटिफुल बर्गर। सो लेट्स सी कैसा लग रहा है। वाओ, जस्ट लुक एट द कलर एंड द साइज़। जैसे कि आप KFC की वीडियोज़ में देखते हैं ना कि KFC कैसा होता है पिक्चर्स के अंदर, उसी तरह का आपको बिल्कुल ये बर्गर नज़र आएगा। Try how it is, take a bite. आई एम सो जेलस कि मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वीडियो के मैं भी ले रहा हूँ होऊंगा। हाउ इज द टेस्ट? इट इज रियली रियली सो डिलीशियस, सो यमी एंड सो टेस्टी, आई रियली लाइक इट। मेरी बीबी ने तो देखें पास कर दिया है, अब आपकी बारी है इसको ट्राई करने की, और अपना फीडबैक दीजिए, और मुझे ये भी बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपने ये वीडियो पाकिस्तान से देखी है या तुर्की से देखी है, और मैं फिर फर्दर इसको खा के आपको बताता हूँ कि कैसा मुझे लगा इसका फाइनल टेस्ट। तो अब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।